यार बोल भोले बोल तुझको क्या चाहिए। शाहरुख खान, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ स्टारर इस फिल्म में खतरनाक विलेन कोका सिंह का किरदार एक्टर मोहन अगासे ने निभाया था। मोहन अगासे ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। मोहन अगासे एक अच्छे एक्टर तो हैं ही, लेकिन इसी के साथ वो एक बेहतरीन डॉक्टर भी हैं। मोहन अगासे पैसे से एक साइकेट्रिस्ट है। इसी के साथ वो एक्टिंग में आने से पहले प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उन्होंने पुणे के BBJ मेडिकल कॉलेज से मनोचिकित्सक में अपनी पढ़ाई पूरी की है। शुरू से ही अभिनय में दिलचस्पी रखने वाले मोहन अगासे को उनके अभिनय के लिए 1996 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन आज ये कहाँ और किस हाल में है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। शाहरुख खान की फिल्म त्रिमूर्ति में विलन कोका सिंह का किरदार निभाने वाले मोहन अगासे पैसे से न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर है बल्कि एक शानदार डॉक्टर भी है। उन्होंने पुणे के BBJ मेडिकल कॉलेज से मनोचिकित्सक से अपनी पढ़ाई पूरी की है। वो एक प्रोफेशनल मनोचिकित्सक हैं और साथ ही वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। मोहन अगासे कई TV सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। मोहन अगासे ने अपने करियर की शुरुआत साल 1975 में मराठी फिल्म सामना से की थी। इसके बाद उन्होंने मंथन, गांधी, मशाल, निशांत, मंथन, भूमिका, पतंग जैसी कई फिल्में की। साल 2022 में वो अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे में नजर आए थे। बॉलीवुड के अलावा मोहन अगासे ने अपने करियर में TV प्ले और वेब सीरीज में भी काम किया है। हालांकि आज ये 75 साल के हो चुके हैं और पहले के मुताबिक काफी बूढ़े भी नजर आते हैं। जैसा कि आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं कि आज ये कितने बदल गए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।